माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल फोन को, किस तरह से सेल फोन से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर बैठे हुए शख्स से बातचीत हो सकती है, किस तरह से इनका आपस में कॉन्टेक्ट होता है। ये सब डिटेल हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल फोन है क्या। आप रेडियो के बारे में जानते हैं, रेडियो क्या है? रेडियो एक वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें आप सिर्फ डाटा को रिसीव कर सकते हैं, सेंड नहीं कर सकते। जैसे प्रोग्राम को आप लाइव सुन सकते हैं, अगर आप चाहें कि बोल के उनको अपनी कोई बात बताएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मोबाइल फोन भी एक रेडियो ही है, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन रेडियो है जिसके अंदर आप डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेल फोन। अब आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक सेंड करने के लिए आपको तीन कंपोनेंट की जरूरत होती है, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। इससे पहले वीडियो में हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर हमने ये तीन कंपोनेंट्स पढ़े थे। ये तीनों कंपोनेंट्स में जो सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट है वो है चैनल, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन तक डाटा ट्रांसफर होता है और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चैनल। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर वन सेल, नंबर टू बीएस यानी बेस स्टेशन, नंबर थ्री एमएससी यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब इनको देख लेते हैं, स्टडी करते हैं, फिर साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं और किस तरह से आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कॉल कर सकते हैं, सब चीजें डिटेल से सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस स्टेशन की। बेस स्टेशन इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन सेटअप एट अ पार्टिकुलर ज्योमेट्रिक लोकेशन एंड दिस एरिया कवर्ड बाय द सिंगल बीएस इज कॉल्ड सेल। बेसिकली हमने क्या किया है, जब इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड करते हैं तो हम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सेंड करते हैं, यानी एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन तक जो डाटा जा रहा होता है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जा रहा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जा रहा होता है, मोबाइल में लेकर आ रहा होता है, ये दोनों टू वे कम्युनिकेशन होने की वजह से। ओके, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, नो डाउट। लेकिन जब ये लॉन्ग डिस्टेंस पर जाती हैं तो रास्ते में बहुत सारी बिल्डिंग्स भी आ गई होती हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पेशली अर्थ को अगर हम बात करें तो उसकी सर्फेस स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। हम लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं ट्रैवल करा सकते या डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं सकते। दूसरा बिल्डिंग्स का इशू और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमने दोस्त ये आपके साथ शेयर किए, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं ट्रैवल करा पा रहे, प्रॉब्लम हो रही है। फिर क्या किया गया, ये जो इतना बड़ा रीजन है इस रीजन को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया गया, हेक्सागोनल शेप में। ये जो अर्थ है, अर्थ को हमने छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, एक पैच को हेक्सागोनल शेप में रखा हमने और हर पैच के अंदर एक हमने टावर लगा दिया। ये टावर क्या करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मुश्किल हो रही थी उसको अब हम आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं। उसको हम देखेंगे किस तरह से हम इसको ट्रैवल कराते हैं। और हर एक सेल के अंदर ये जो टावर लगा होता है इसको हम कहते हैं बेस स्टेशन, जिसकी मैंने बात की है। बेस स्टेशन एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। अब मोबाइल फोन के साथ तो कोई वायर नहीं होती, तो वायरलेस कम्युनिकेशन हुई ना, यानी बिना वायर के। तो आप इस रीजन के अंदर कर रहे हैं काम, बातचीत कर रहे हैं किसी से, आपके रीजन में एक टावर लगा होगा, अक्सर आपने देखा भी होगा। अब मोबाइल फोन जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस टावर को सिग्नल भेज भी रहा है, उस टावर से सिग्नल रिसीव भी कर रहा है, इसलिए कहते हैं ये वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन होता है। ये है जी हमारे पास बेस स्टेशन। और जितना एक बेस स्टेशन रीजन कवर कर रहा होता है उस रीजन को हम कहते हैं सेल। ये आप देख सकते हैं हेक्सागोनल शेप में होता है ये, और इसके अंदर एक बेस स्टेशन मौजूद होता है। इस ग्रीन कलर से मैंने इसको बेस स्टेशन को शो किया है। ओके, अब बेस स्टेशन से लॉन्ग डिस्टेंस पर कैसे हम डाटा को ट्रैवल कराते हैं वो भी जरा सीख लें। देखिए, हमने एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन तक डाटा को सेंड करना है और उसके लिए हमें हेल्प करती है एमएससी। एमएससी क्या होती है अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूं। ये जो यहां पर सिग्नल आया इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव आ गया, इस रेडियो वेव सिग्नल को फिर चेंज किया जाता है दोबारा से या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर या फिर लाइट पल्सेस के अंदर। जैसे हमारे पास ये एक सिस्टम मौजूद है, मोबाइल फोन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस, क्योंकि ये मोबाइल फोन
इस सेल से बिलोंग करता है, इस सेल के अंदर मौजूद जो बेस स्टेशन है वो इससे आने वाले रेडियो सिग्नल को रिसीव करेगा और बिना वायर के रिसीव करेगा, कोई वायर वगैरह नहीं होती, इसीलिए इसको बोला जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो सिग्नल आता है इस बेस के पास, फिर ये बेस से अब हमने दूसरी लोकेशन पर हमने भेजना है, कहीं कॉल करनी है, तो फिर क्या होता है, ये बेस क्या करती है, उसके रिसीव करने के बाद उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को चेंज कर देती है इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, या फिर उसको लाइट पल्सेस में चेंज करती है। लाइट पल्सेस क्या होती है और इलेक्ट्रिक पल्सेस, इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या है? अगर तो आपके पास एक बेस से एमएससी तक ले जाने के लिए या एक बेस से दूसरी बेस तक ले जाने के लिए आपके पास कोई वायर है, यानी कॉपर वायर को हम यूज करते हैं, तो कॉपर वायर में सिग्नल ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक सिग्नल आप कह सकते हैं ट्रैवल करता है। तो फिर आप ऐसा सेटअप बनाएंगे कि जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करे और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे ट्रैवल करे। ओके, और अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया हुआ है तो फिर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस ट्रैवल करता है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्सेस होती है, इस तरह से सिग्नल यहां से इस तरफ को ट्रैवल करता है। तो उसमें फिर क्या होगा, जो आपका ये बेस स्टेशन है वो इस रिसीव होने वाले सिग्नल को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल था, उसको चेंज करता है लाइट पल्सेस के अंदर, और वो लाइट पल्सेस यहां से ट्रैवल करती हुई जाती है एमएससी के पास। एमएससी क्या है, अब वो भी पहले देख लें। एमएससी स्टैंड फॉर मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है, एमएससी स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सक्राइबर्स लोकेटेड विद इन द क्लस्टर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टिंग कॉल्स टू दैम। अब देखिए, एमएससी बेसिकली मोबाइल स्विचिंग सेंटर है जो कि एक यूजर को दूसरे यूजर से कनेक्ट करती है। एमएससी के पास सारे डिटेल्स होती हैं कि ये यूजर कहां से कॉन्टेक्ट, कहां से बातचीत कर रहा है और कहां पर ये बात करना चाह रहा है। अब आसपास के तमाम यूजर की एक क्लस्टर, मैंने बताया कि ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल जिसके अंदर एक टावर लगा हुआ है, इसको हम इस सेल कहते हैं। ये सेल बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर क्लस्टर बनता है। ये देखें, ये हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल का अपना अपना टावर होता है, ये मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं, और एक क्लस्टर को कंट्रोल कर रही होती है एमएससी, क्योंकि इस रीजन से इस रीजन में, इस रीजन से इधर इधर, किसी भी रीजन के अंदर जो आपस में बातचीत करानी है, जो कनेक्ट कराना है एक दूसरे को, वो काम है एमएससी का, मोबाइल स्विचिंग सेंटर का। ये क्या करती है, जब आप किसी किसी शख्स का नंबर डायल करते हैं तो इसको पता होता है कि ये नंबर या ये लोकेशन जो है वो किस लोकेशन के ऊपर ये सिम मौजूद है, कहां पर ये नंबर मौजूद है। जब आप सिम परचेज करते हैं तो सिम परचेज करते हुए आप कुछ इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं, कंपनी के साथ, जिसमें आपका सीएनआईसी नंबर होता है, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका नेम, लोकेशन, एड्रेस, सब चीजें डिटेल्स होती हैं। तो एमएससी जो है ये वो पॉइंट है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को रखता है विद इन द क्लस्टर। एक क्लस्टर के अंदर मौजूद सब यूजर्स के जो डाटा होता है वो पड़ा होता है एमएससी के पास। जब आप किसी यूजर से कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं तो एमएससी ही आपको कनेक्ट करती है। आप किसी का नंबर डायल करते हैं, एमएससी उसकी लोकेशन ट्रेस करती है, चेक करती है कि इस वक्त ये किस लोकेशन पर मौजूद है, किस सेल में मौजूद है। तो फिर एमएससी क्या करती है, आपका जो सिग्नल आ रहा है यहां से, इस सिग्नल को डायरेक्ट कर देती है उस सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर मौजूद शख्स से आप बात करना चाह रहे हैं, जिसको आप कॉल कर रहे हैं। तो आपने जो सिग्नल भेजा वो सिग्नल एमएससी ने कनेक्ट करके उस रीजन में भेज दिया जहां पर आप बात करना चाह रहे हैं। उधर भी एक सेल है, इस सेल के अंदर भी बीएस यानी बेस स्टेशन लगा हुआ है, एक टावर है। ये बेस स्टेशन क्या करेगा, यहां से आने वाले जो ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा है लाइट पल्सेस में सिग्नल, उसको दोबारा से चेंज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फिर इस मोबाइल फोन तक सेंड करता है। ये मोबाइल फोन तक वो आती है, इसके पास एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक को खास फ्रीक्वेंसी अलॉट की होती है, इसलिए हर एक बंदे को अलग अलग, ये नहीं कि किसी की कॉल किसी को चली जाए, हर एक बंदे को अलग अलग फ्रीक्वेंसी इन्होंने अलॉट की होती है। तो फिर उसी यूजर को कॉल जो है वो जाती है, ये अब रेडियो वेव्स की फॉर्म में उस बंदे तक कॉल पहुंच जाती है और वो कॉल को पिक कर लेता है। तो एमएससी बेसिकली क्या कर रही है, इनमें कनेक्शन का काम कर रही है, एक यूजर को दूसरे यूजर से मिला रही है, क्योंकि एमएससी के पास ही सब डिटेल है कि कोई यूजर इस वक्त कहां पर है और किस तरह से आपने उनसे रابطہ कराना है। ओके, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिग्नल में फॉर्म में आपके पास सिग्नल पहुंच गया। समटाइम क्या होता है कि यूजर अपनी एमएससी के अंदर मौजूद नहीं होता, वो किसी और जगह होता है। जिस एमएससी के अंदर हमारा सारा डाटा डिटेल के साथ वहां लिखा हुआ है, उनके पास रिकॉर्ड में है, वो हमारी होती है होम एमएससी। अब अगर हम इसको छोड़ के किसी और लोकेशन पर चले जाते हैं नई एमएससी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन एमएससी। ये है फॉरेन एमएससी। लेट्स सपोज आप अपने रीजन में नहीं है,
अपने क्लस्टर के अंदर आप मौजूद नहीं है। मैं फिर बता दूं क्लस्टर क्या होता है, जो बहुत सारे सेल मिलते हैं आपस में तो क्लस्टर बनता है और हर क्लस्टर को कंट्रोल करती है एक एमएससी। ओके, अब आप अपने क्लस्टर से निकल चुके हैं किसी है, जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो अब आपकी एमएससी चेंज हो गई है, अब आप नई एमएससी में चले गए हैं, नई एमएससी को आप फॉरेन एमएससी कहते हैं। तो जो आपकी होम एमएससी है उसके पास सब डिटेल मौजूद होती है कि हमारा यूजर इस वक्त कौन सी वाली एमएससी के अंदर एंटर हो चुका है। जैसे जैसे आप मूव करते रहेंगे, दूर जाते रहेंगे एक एमएससी से दूसरी एमएससी के पास, तो आपका जो होम एमएससी है इसके पास आपकी लोकेशन है आपको बताता जाएगा कि इस वक्त आप उसको पता होता है कि इस वक्त ये मेरा यूजर इस फॉरेन एमएससी के अंदर मौजूद है। तो जब आप यहां से कहीं और चले जाते हैं किसी और सिटी के अंदर, आपसे कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं हम, आपको कॉल करेंगे, तो आप क्या होता है, हमने कॉल की तो वो सिग्नल आता है इसके पास बेस स्विचिंग सेंटर के पास, वो इसको भेजता है, इसको चेंज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को चेंज करके लाइट पल्सेस में ऑप्टिकल फाइबर से भेजता है एमएससी के पास। एमएससी देखती है कि ये यूजर मेरे क्लस्टर में मौजूद नहीं है और उसके पास डिटेल मौजूद होती है कि इस वक्त ये कौन सी फॉरेन एमएससी के पास है, तो उस फॉरेन एमएससी के पास ये सब डिटेल उसके साथ शेयर कर देता है। तो फिर एमएससी, ये जो फॉरेन एमएससी, ये क्या करती है, देखती है कि ये जो यूजर है जिसको ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो मेरे क्लस्टर के अंदर किस सेल के अंदर मौजूद है। अब एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं, वो बंदा जो जिस सेल के अंदर मौजूद होगा एमएससी क्या करेगी, इस सिग्नल को उस बीएस के पास भेजेगी, यानी बेस स्टेशन के पास भेजेगी, और वो बेस स्टेशन फिर उनके खास फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ उस मोबाइल फोन को सिग्नल ट्रैवल करा देता है, उसकी तरफ सिग्नल भेज देता है, तो वो शख्स जो है वो अगर किसी और लोकेशन पर भी चला गया तो वो कॉल को सुन सकता है। तो इस तरह से मोबाइल फोन से हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। लेकिन आपको यह बता दें कि जो हम बात करते हैं ना, वो बात बेसिकली एक ऑडियो सिग्नल होता है, उसको हम एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर मोबाइल फोन के अंदर माइक्रोफोन होता है ना, माइक्रोफोन, वो आपके साउंड को, यानी कनेक्ट होने के बाद जब आप बात कर चुके हैं, आपके कनेक्शन हो गया, अब आप जो बातचीत कर रहे हैं आपका ऑडियो सिग्नल है, उस ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है, ऑडियो या एनालॉग सिग्नल कह लें, उसको एनालॉग सिग्नल होता है ऑडियो का, उसको चेंज किया जाता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। डिजिटल सिग्नल में आप ये देख सकते हैं इस तरह का ये सिग्नल होता है, वन और जीरो पर मुश्तमिल होता है डिजिटल सिग्नल। अब ये डिजिटल सिग्नल जो है वो क्या किया जाता है, ये दोबारा से चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज किया, डिजिटल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर उसको चेंज कर दिया। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जहां से ट्रेवल करता हुआ जाता है एमएससी में, और एमएससी से फिर उस यूजर तक, और वहां पर वो बात को सुन सकता है। इसी तरह जब वो रिप्लाई करेगा तो वो भी बात करेगा, उसको फिर इसका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर मौजूद माइक्रोफोन चेंज करेगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, वो फिर इस बीएस से आएगा यहां से एमएससी में, और एमएससी से फिर अपने मोबाइल के साथ जिसके साथ उसने बातचीत करनी है वो इस तरह से रब्ता कर लेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक सेल फोन का। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं।